हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप के बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप मुझे जानते हो, मेरा नाम है अवधेश और मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाता रहता हूं। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूं यूपी में और मैं अपने फिरोजाबाद स्टेट में आ चुका हूं और यहां मैं आया हूं भाई बहुत ही बढ़िया जगह पर। यहां मैं आया हूं फिरोजाबाद के जैन मंदिर पर। तो फिरोजाबाद के जैन मंदिर के अंदर तो मैं आपको पूरा घूम करके दिखा देता हूँ। जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये मेन मंदिर है, यहाँ का सबसे पहले वाला मंदिर है। जो मैं इस मंदिर के पीछे हूँ, यहाँ पर अभी काम चल रहा है, यहाँ थोड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो देखिए अभी मैं पीछे इस साइड खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा नज़ारा कुछ देख रहे होंगे। और इधर देख लीजिए दोस्तों, ये महावीर स्वामी जी की मूर्ति बनी हुई है जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि इस पर मूर्ति पर अभी कलर नहीं हुआ है, इस वजह से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन है और अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर ध्वनि भी यार कुछ चेंज हो गई है और ऊपर सख्त लगा हुआ है, केवल पूजा के लिए है, केवल ऊपर पूजा के लिए जा सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, अभी रास्ता बंद है, ये उसमें शटरिंग लगी हुई है जिससे रास्ता बंद है और यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं, इधर से जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है, ये देख लीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है इसमें से पानी निकलता रहता है लेकिन अभी बंद है। और मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको, ये ऊपर देख लीजिए, ऊपर महावीर स्वामी जी की मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों ये घंटा देख लीजिए, देखिए दोस्तों पीछे से ये मंदिर कुछ इस प्रकार का दिखता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। भाई मैं इसको पीछे से शूट कर रहा हूँ, मंदिर को आगे से मैं अभी शूट नहीं कर रहा, वहाँ पर बहुत भीड़ थी इसलिए मैं इस मंदिर की आपको पीछे से दिखा रहा हूँ। देख लीजिए भाई कितना सुंदर मंदिर है और मैं अब इसमें अंदर जाऊँगा, अगर एक परमिशन होगी तो मैं अंदर भी वीडियो बनाऊँगा, अगर नहीं होगी तो भाई फिर आप। तो दोस्तों मैं आपको इस साइड से भी मंदिर का नज़ारा दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बगल की साइड से मैंने कैमरा लिया है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कुछ मंदिर इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए दोस्त। उधर से लोग अंदर आते हैं, उधर देख लीजिए, जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये दोनों चीज़ इस खम के पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उधर से अंदर आने का रास्ता है। कमरे बने हुए हैं देख लीजिए, इन ये इधर कमरे बने हुए हैं और उधर देख लीजिए, उधर आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, उधर जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उधर भाई जो आए हुए हैं शादी वाले, मतलब शादी रिश्ते वाले आए हुए हैं और वो अभी रिश्ते की बात करते हैं, लड़के को देखते हैं तो फाइनल करते हैं अपना। तो यहाँ पर भाई एक ये सुविधा बढ़िया है, कम पैसे लगते हैं, 100-200 रुपये लगते हैं और 100-200 रुपये में अच्छा कमरा मिल जाता है, बढ़िया कमरा मिल जाता है बैठने के लिए, खाने पीने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो जाती है। तो देख लीजिए मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ से ये अंदर का सीन है और जो आप देख रहे हो ये मेन गेट है जिसमें से अभी बाहर निकल के जाऊँगा तो आपको बाहर से भी दिखा दूँगा कि कैसा लगता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, इसमें सभी में ये पूरा तालाब सा बना दिया है, एक तरीके का तालाब सा इसलिए बना दिया है भाई क्योंकि इसमें पक्षी वगैरह हैं, वो नहाते हैं और पानी पीते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर कुछ पक्षी हैं, जो कबूतर हैं, कबूतर उसमें पानी पी रहे हैं और मज़े से उसी में टहल रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और अभी देख लीजिए ये बंद पड़ा है लेकिन इसमें पानी डालने के लिए ये चालू हो जाता है, इसकी सफाई भी टाइम टाइम पर होती है। देख लीजिए बहुत बड़ा पानी का तालाब बना दिया है। दोस्तों ये फिरोजाबाद के जैन मंदिर का मेन दरवाज़ा है, यहीं से लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पर वहाँ पर महावीर स्वामी जी की मूर्ति रखी हुई है और यही मेन दरवाज़ा है, इसके अंदर मैं वीडियो नहीं बना सकता इसलिए मैं आपको यहीं से वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर अच्छा मंदिर है।